देखिए हुई ना अभी निकास, तुम्हारे फोन में बांध जाओ, दोबारा करो। इसमें तो चलाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज किस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जीरेंड एंड इन्फिनिटिव के बारे में, कि जीरेंड क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है। तो सबसे पहले थोड़ा देखते हैं जीरेंड के बारे में। लिखा जीरेंड, अगर इसके लिए समझें तो ये हो जाएगा, इसकी हिंदी होती है क्रियावाचक संज्ञा। क्रियावाचक संज्ञा, ठीक है, इसकी हिंदी होती है क्रियावाचक संज्ञा। इसकी पहचान देखें हम, पहचान क्या होती है, जैसे कोई वर्ब है, वर्ब है और वर्ब कैसी, हिंदी में कोई हिंदी वाली वर्ब है, अगर उस वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने, ये सब अगर दिखता है, ना, नी, ने, ये सब अगर दिखता है तो हम उसे कह सकते हैं वो कहलाएगी जीरेंड। रूल क्या होता है इसका, जैसे कोई वर्ब है रीड, रीड है, ये क्या है, ये एक वर्ब है, और कैसी है वर्ब, वी वन, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, अगर हम लोग इसमें लगा दें आईएनजी प्लस आईएनजी तो ये पूरा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा जीरेंड। अगर बात करें इसके सेंटेंस की, कि इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, सेंटेंस बहुत सारे हैं, अगर उस सेंटेंस के जो हिंदी की वर्ब होती है उसके लास्ट में ना, नी, ने, ये अगर आवाज़ साउंड आती है तो हम कह सकते हैं वो कहलाता है जीरेंड। जैसे एक सेंटेंस लिखा जाए कि पढ़ना एक कला है, पढ़ना एक कला है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि पढ़ना एक कला है, तो पढ़ना ये एक वर्ब है, तो पढ़ना ही क्या होती है, रीड, ये रीड होती है, और क्योंकि ये एक जीरेंड है, इसके लास्ट में ना, नी, ने, ऐसा कोई वर्ड आता वो कहलाता है जीरेंड, तो ये जीरेंड है ये, तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, हो गया रीडिंग, और है कि इज, रीडिंग इज एन आर्ट, ये हो गया। तो इस तरह से अगर कोई हिंदी की वर्ब है उस वर्ब के लास्ट में ना, नी, ने, ये आवाज़ आती है या ये अक्षर आते हैं, शब्द आते हैं, तो क्या करते हैं वो कहलाता है जीरेंड। और एग्जाम्पल है, लिखा है झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो ये क्या है, बोलना, ये तो वर्ब है तो कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, जीरेंड। बोलना ही क्या होती है, टेल, और इसी में हो जाएगी आईएनजी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा टेलिंग, और यही हो गया आपका जीरेंड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, जो कि सेंटेंस में एक मेन वर्ब है, टेलिंग अ लाई, ये हो गया झूठ बोलना, इज है क्या है, पाप, अ साइन, टेलिंग अ लाई इज अ साइन। और एग्जांपल है, धूप में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सेंटेंस है कि धूप में टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो टहलना तो हो जाएगा आपका जीरेंड। तो टहलना क्या होती है, वॉक, और इसमें आईएनजी वॉकिंग, ये हो गया जीरेंड, और है इज, वॉकिंग इज क्या है, हानिकारक, हार्मफुल,
और स्वास्थ्य के लिए फॉर हेल्थ। बालक हम बोले धूप में टहलना कठिन है। तो ये हो जाएगा हेल्थ, वॉकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। एक अभी कमेंट आया था, क्या कमेंट है? हम बोले मतलब धूप में टहलना कठिन है। धूप में टहलना कठिन है, धूप में टहलना कठिन है। तो हो जाएगा टहलना, टहलना की तो हो जाएगी वॉक, वॉक, और इसी में आएंगी वॉकिंग, और धूप में इन द सन। धूप में टहलना इज है, कठिन है, डिफिकल्ट। तो वॉकिंग इन द सन इज डिफिकल्ट, धूप में टहलना कठिन है। तो ये कह सकते हैं जो जीरेंड होता है, ये अगर कोई हिंदी वाली वर्ब है उस वर्ब के लास्ट में ना ने ये अक्षर आते हैं तो वो कहलाता है जीरेंड। अब बात करते हैं इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव अब ये आ गया इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव जिसकी हिंदी होती है क्रियार्थक संज्ञा। मतलब ये है इन्फिनिटिव दोनों हैं क्या? दोनों काम करते हैं एज अ नाउन, दोनों को यूज करते हैं एज अ नाउन। अब इसमें तो देख लिया जिरेंड, जिरेंड में देख लिया कि कोई वर्ब है और उस वर्ब के लास्ट में ना नी ने ये ETC लेटर्स आते हैं तो वो कहलाता है जिरेंड। अब और जो है आप जितने लोग भी वीडियो देखते हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनके पास ये वीडियो पहुंच जाए। आगे देखते हैं फिर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव में क्या है ये तो देख लिया जेरेंड, जैसे कोई वर्ब है उसमें ING लगाते हैं तो वो कहलाता है जेरेंड। अब है इन्फिनिटिव, अगर बात करें इसकी पहचान की तो पहचान क्या हो जाएगी? पहचान इसकी वही है जो पहचान थी जेरेंड की, मतलब ना नी ने। ETC लेटर्स आते हैं, ये सब लेटर्स आते हैं और किसके? कोई वर्ब है और कैसे? हिंदी में, हिंदी में कोई वर्ब है उसके लास्ट में अगर नानी ने आदि लेटर्स आते हैं, जैसे कि वर्ब लिखें एक खेलना, खेलना एक वर्ब है वी खेलना, तो खेलना अभी एक तरह से अभी हिंदी में लिखा हुआ है, तो जो पहचान है जेरेंड की वही पहचान है इन्फिनिटिव की, तो ये एक तरह से इन्फिनिटिव भी है और यही जेरेंड भी है। लेकिन अब है क्या इन्फिनिटिव में और जेरेंड में केवल फर्क इतना है, जो एंड होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं ING, लेकिन जो इन्फिनिटिव है उसमें क्या करते हैं हम पहले लगाते हैं टू, जैसे कि खेलना, खेलना की होती है प्ले, और इसके पहले अगर हमने ऐड कर दिया टू तो ये कहलाएगा इन्फिनिटिव। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे अब एक एग्जांपल है, पहले एक वर्ब लिखते हैं, लिखा है जाना, जाना। अब जाना हिंदी में लिखा हुआ है तो अभी इसे ये जेरेंड भी है और इन्फिनिटिव भी है। अब इसकी इंग्लिश लिखें जाना, जाना की क्या हो जाएगी? टू गो, ये भी ठीक है, या गोइंग, ये भी ठीक है क्या? जब वी वन के पहले लगा दिया टू तब तो कहलाएगा ये इन्फिनिटिव, और अगर उसमें ऐड कर दी ING तो कहलाएगा जेरेंड। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, मतलब अगर वी वन है कोई
उसके पहले जब लगाते हैं टू तो कहलाता है इन्फिनिटिव, और उसी वी वन में प्लस करते हैं एड आई एन जी तो वो कहलाता है जेरेंड। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लिखा जाए, जैसे पहला ही वाला एग्जाम्पल था, मान लीजिए ये वाला लिखते हैं पढ़ना एक कला है, पढ़ना एक कला है, पढ़ना एक कला है, तो पढ़ना ही क्या होती है रीड। तो अगर लगाते हैं पहले टू, टू रीड पढ़ना, ये हो गया आपका इन्फिनिटिव, क्योंकि अगर कोई वीवन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगाते हैं तो वो कहलाता है इन्फिनिटिव। तो है क्या टू रीड, और है कि इज, टू रीड इज, और क्या है एक का एन आर्ट। ये अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से बनाएं, इसे बनाएं अगर आई एन जी से रीडिंग, बाकी इज एन आर्ट। अब ये दो सेंटेंस हैं, टू रीड इज एन आर्ट और रीडिंग इज एन आर्ट। जब किसी वर्ब के पहले टू लगा हुआ है तो वो क्या कहलाएगा इन्फिनिटिव, और अगर उसी वर्ब के पहले लगा हुआ है या उस वर्ब में ऐड है आई एन जी तो वो कहलाएगा जेरेंड। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। वैसे सेंटेंस आपकी मर्जी है, आप चाहे ऐसे बनाएं पहले बी वन से पहले टू लगाएं या बी वन में ऐड कर दें आई एन जी, दोनों का सेंस एक ही है। और एग्जाम्पल है दिन में सोना, दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए, दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सही है हानिकारक है, दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब लिखा है दिन में सोना, सेंटेंस तो पूरा है लेकिन ये क्या सोना ई है, जब कोई वर्ब है उस वर्ब के लास्ट में ना नी ने ईटीसी लेटर्स आते हैं तो वो क्या कहलाता है, या तो बोल सकते हैं उसे जेरेंड या बोल सकते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन अब जब इसकी इंग्लिश बनाते हैं तब देखते हैं, अगर हमने ऐड कर दिया आईएनजी तो हो जाएगा जेरेंड, और यदि उस बी वन के पहले लगा दिया टू तो वो कहलाएगा इन्फिनेटिव। ये कैसे बनेगा, सोना, सोना की होती है स्लीप, स्लीप इसमें लगा दी आईएनजी स्लीपिंग, या तो लगा दें स्लीपिंग या हम कह सकते हैं टू स्लीप, एक ही बात है टू स्लीप या स्लीपिंग है। इज हेल्पिंग वर्ब, इज क्या है एन आर्ट, सॉरी स्लीपिंग सोना कब, दिन में, इन द डे, ये हो गया स्लीपिंग इन द डे, दिन में सोना। इज है क्या है हार्मफुल फॉर हेल्थ, अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है, जैसे ये कह दें कि शोर मचाना एक अच्छी आदत नहीं है तो नेगेटिव हो सकता है, जब नेगेटिव है तो है शोर मचाना है तो बनेगा वैसे ही शोर मचाना, लिखा है ना तो या तो हम लगा दें मेकिंग अ नॉइज, या तो ये लिख दें मेकिंग अ नॉइज, या कह सकते हैं टू मेक, या तो मेकिंग या टू मेक, बाकी सेम, तो मेकिंग अ नॉइज शोर मचाना एक अच्छी आदत नहीं है, इज नॉट अ गुड हैबिट, ये हो जाएगा मेकिंग अ नॉइज इज नॉट अ गुड हैबिट, या कह सकते हैं टू मेक अ नॉइज इज नॉट अ गुड हैबिट। तो ये है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो क्या निष्कर्ष निकला, जो जेरेंड है वो होती वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और जो इन्फिनेटिव है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू। अब अगर कोई सेंटेंस है, इसे थोड़ा मिटा देते हैं, अब अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस में दिया हो कोई सब्जेक्ट, जैसे कि मेरी दादी
किसमें? मेकिंग अ नॉइज, नॉइजिंग। तो नॉइजिंग जो है शोर, शोर एक नाउन है और मेकिंग ये तो वर्ब है ही। तो जब नॉइज एक नाउन है, नाउन में कभी भी आईएनजी लगाते नहीं है, नाउन एज अ सब्जेक्ट हो सकता है लेकिन उसमें आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। अगर तो ऐसे मान लिया हुआ है मोहन, अब आपको लगता हो मोहन तो लास्ट में लगा है ना, ये ना आ गया तो जीरेंड है। अब आप कहें कर दें मोहनिंग तो मोहनिंग गलत हो जाएगा, मोहनिंग थोड़ी होगा, तो क्या हो जाएगा, ये तो एक नाउन है, नाउन में कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं। लिखा है मेरी दादी मुझे कहानी सुनाना पसंद करती थी। अब आप देखिए सेंटेंस है ये एक लिखा सुना ना, तो ना नी ने, जब ये लेटर्स आते हैं तो इन्फिनिटिव जीरेंड कुछ भी हो सकता है ये। और अभी तक जितने सेंटेंस करवाए, जितने भी एग्जांपल करवाए थे, उनमें किसी में ना तो कोई सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट भी नहीं था, साथ में कोई सेंटेंस भी नहीं था, सॉरी टेंस भी नहीं था। जैसे लिखा हुआ है मेरी दादी, इसमें एक सब्जेक्ट भी आ गया, ये क्या है सब्जेक्ट, और प्लस टेंस भी है, पसंद करती थी, कौन सा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, टेंस भी आ गया, ये कौन सा आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कैसे बनेगा, मेरी दादी मुझे कहानी सुनाना पसंद करती थी, ये है पास्ट इंडेफिनिट। तो माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो आएगा बी टू, लाइक्ड, पसंद करती थी, सुना ना अभी है सुना ना, तो या तो लगा दें आईएनजी या टू, तो टू और सुनाना की टेल, टू टेल मी, क्या कहानी स्टोरी, कहानी सुनाना पसंद करती थी। अगर ऐसे नहीं बनाया तो ऐसे बना सकते हैं, माई ग्रैंड मदर पसंद करती थी, लाइक्ड, माई ग्रैंड मदर लाइक्ड टेलिंग मी स्टोरीज, ये है, ये था दोनों के बीच में डिफरेंस, जो कि था जेरेंड एंड था एंड इन्फिनेटिव। तो जेरेंड क्या निकला, अगर कोई बीवन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो वो हो जाता है जेरेंड, और जब कोई बीवन के पहले में लगाते हैं टू तो वो कहलाता है इन्फिनेटिव। तो ये थी आज की वीडियो जो कि जेरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में थी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों। क्या करें।